आप सभी का आपके चैनल रंजन नर्सरी सेंटर पर स्वागत है। आज का ये वीडियो अपडेट हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेसन का नाम है भारत में कार्यपालिका। कार्यपालिका जिसे हम लोग इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, आज उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो कार्यपालिका सबसे पहले क्या है वो आप लोगों को जानना जरूरी है। तो कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और कार्यपालिका जो है वो सरकार का एक प्रमुख अंग है और इसका काम होता है कानून को लागू करवाना। जिस तरह से पिछले लेसन में मैंने आपको बताया कि विधायिका जो है वो सरकार का पहला प्रमुख अंग है जो कानून को बनाती है, उसी तरह कार्यपालिका जो है वो सरकार का दूसरा प्रमुख अंग है जो कि कानून को लागू करने का काम करती है। तो हमारे देश में जो कार्यपालिका है वो दो तरह से बटी होती है। पहला है केंद्रीय कार्यपालिका और दूसरा है राज्य की कार्यपालिका। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्र की कार्यपालिका के बारे में। तो हमारे भारत में केंद्रीय पालिका जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत की केंद्रीय पालिका के जो है मुख्य कार्यपालक हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति यानी कि इंग्लिश में इन्हें प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति, सबसे पहले जान लें आप लोग कि भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए व्यक्ति, और व्यक्ति की उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वे भारत में राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के संवैधानिक प्रधान होते हैं और प्रमुख कार्यपालक भी होते हैं, यानी कि संविधान के हिसाब से देश में सबसे ऊंचा स्थान जो है राष्ट्रपति का होता है। अब हम लोग जानेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति जिन्हें इंग्लिश में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता भी 35 वर्ष ही होती है। यानी किसी व्यक्ति को अगर भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो उनकी योग्यता कम से कम उन्हें 35 वर्ष का होना जरूरी है और वे भारत के नागरिक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति का प्रमुख काम होता है वे राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। यानी भारत के संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, वहां की जो बैठक होती है वो मीटिंग की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम लोग जानेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। तो भारत के प्रधानमंत्री जिन्हें इंग्लिश में हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति भारत के नागरिक होने चाहिए और दूसरी योग्यता उनकी उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिक उम्र की कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। कम से कम उम्र अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना है व्यक्ति को तो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने की कम से कम योग्यता जो है 25 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। तो ये तीनों जो है भारत के प्रमुख कार्यपालिका अधिकारी हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का हम लोग काम भी जान लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है देश के संविधान के सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं और इनका पहला काम है प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में। प्रधानमंत्री को अगर कोई सलाह की जरूरत पड़ती है किसी भी विषय पर तो राष्ट्रपति जो है उन्हें सलाह देते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। जो हमारे देश में जल सेना, थल सेना और वायु सेना है, यानी कि आर्मी, हमारा जितना भी आर्मी है और साथ ही एयरफोर्स और नेवी, सभी के कंट्रोल जो है वो राष्ट्रपति के पास ही होते हैं। दूसरा जानेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति के कार्य। तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं देश में, तो अगर कभी राष्ट्रपति को किसी प्रकार की सलाह की जरूरत पड़ती है तो वो उपराष्ट्रपति से सलाह लेते हैं। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता भी करते हैं। प्रधानमंत्री का काम जानेंगे, तो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के नेता के रूप में काम करते हैं। लोकसभा का ये प्रमुख नेता होते हैं और ये मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। यानी देश में जितने भी मिनिस्टर बनते हैं मंत्रिमंडल, वो प्रधानमंत्री ही बनाते हैं। और मंत्रियों के बीच विभागों को बांटना, यानी कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो आप लोगों ने अभी भारत की केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में जाना।
ये सभी अस्थायी कार्यपालक है। अस्थायी कहने का अर्थ होता है कि ये सभी सदस्य 5 वर्षों के लिए ही चुने जाते हैं, क्योंकि अगर 5 वर्ष का जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा होता है तो उन्हें अपने पद से जो है उनको छोड़ना पड़ता है और फिर से चुनाव में विजेता होने के बाद फिर से वो दोबारा इस पद पर आ सकते हैं। इसीलिए इन्हें हम लोग अस्थायी कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। सभी का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का ही देश में होता है। अब हम लोग जानेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। राज्य यानी भारत के हर स्टेट में अलग अलग कार्यपालक होते हैं, यानी कि केंद्र जो हो गया वो पूरे देश के शासन को संभालने का काम करते हैं, लेकिन हर राज्य का अपना कार्यपालक होता है। तो राज्य में सबसे प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री, जिन्हें इंग्लिश में हम लोग चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं। तो मुख्यमंत्री जो है वो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक यानी रियल जो है वो प्रधान होते हैं, और जो मुख्यमंत्री होते हैं इनके बनने की योग्यता भी होती है 25 वर्ष, और कम से कम व्यक्ति का 25 वर्ष होना चाहिए तभी वे मुख्यमंत्री का पोस्ट पे अपॉइंट हो सकते हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं। और मुख्यमंत्री का कार्य हम लोग जानेंगे कि मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा का नेता होते हैं, विधानसभा के नेता के रूप में काम करते हैं, और कभी अगर विधानसभा में बैठक बुलाना हो जो भी हो तो विधानसभा के सभी मुख्य रूप से यही काम करते हैं। तो विधानसभा का प्रमुख नेता हो गए मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिमंडल का भी निर्माण करते हैं, यानी हर राज्य में अपना अपना मंत्री अपना अपना विभाग के मिनिस्टर होते हैं, तो मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ मंत्रियों के बीच विभाग को बांटते हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ही डिसाइड करते हैं। और दूसरे हम लोग जानेंगे जो राज्यपाल, यानी भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल को इंग्लिश में हम लोग गवर्नर कहते हैं, और गवर्नर की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल बनने की योग्यता भी है 35 वर्ष। तो राज्यपाल बनने की योग्यता 35 वर्ष है। साथ ही साथ एक बात और है कि अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल का कोई राज्यपाल है तो पश्चिम बंगाल में अगर राज्यपाल बनना होगा उन्हें तो वे किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करने चाहिए, यानी कि राज्यपाल उस राज्य के व्यक्ति नहीं होते हैं। राज्यपाल जिस व्यक्ति जिस राज्य में उनको अपॉइंट होना है उस राज्य के वो व्यक्ति नागरिक नहीं होते हैं, किसी दूसरे राज्य से उनको अपॉइंट किया जाता है। और भारत में हर राज्य में राज्यपाल है। राज्यपाल का प्रमुख काम होता है कभी भी मुख्यमंत्री को किसी सलाह की जरूरत है किसी भी कार्य को, यानी कि वो सलाहकार के रूप में, मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में राज्यपाल कार्य करते हैं। तो इनके अलावा भी राज्यपाल की अनेक शक्तियां हैं। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो यहां पर आप लोग जानेंगे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये सभी भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी कि इन पांचों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये पांचों पोस्ट 5 वर्षों का होता है, इसीलिए इन्हें हम लोग अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। हमारे देश में अस्थायी कार्यपालक भी होते हैं, यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, जिनमें IAS IPS ऑफिसर रैंक के जो है कर्मचारी वे आते हैं। BDO ये सारे जो पोस्ट हैं वो अस्थायी कार्यपालक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि एग्जाम के द्वारा, UPSC के द्वारा और PSC के द्वारा। UPSC और हर राज्य का अपना PSC के द्वारा जो भी अधिकारी चुने जाते हैं, जो भी ऑफिसर चुने जाते हैं, वे हमारे देश के अस्थायी कार्यपालक होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको भारत में कार्यपालिका अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।